हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट सेट लर्न। गेट सेट लर्न में आज हम लोग क्लास टेन का केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लास टेन का केमिस्ट्री अचानक से ये वीडियो आने का ये वजह है कि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर मेटल्स, नॉन मेटल और उससे एसिड का रिएक्शंस के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है जो समझ में नहीं आ रहा। तो चलो भाई, हम सोचे कि एक टॉपिक बताने से बेहतर है कि पूरा का पूरा चैप्टर ही कम्प्लीट कर दिया जाए। तो वो चैप्टर अब हम लोग पढ़ेंगे, और वो चैप्टर कौन सा है भाई? एसिड बेस एंड सॉल्ट है। कौन कौन सा चैप्टर, कौन सा चैप्टर है भाई? तो एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है ना, ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, इसको पढ़ने से पहले कुछ कुछ है ना वो हम लोग को समझना पड़ेगा, एसिड बेस और सॉल्ट। यानी कि टिपिकली अगर एसिड के बारे में अगर जानना है तो उसके पहले बहुत सारा चीज़ को हम लोग को थोड़ा सा जानना पड़ेगा। क्या क्या है भाई, चलिए समझते हैं। अब देखिए, अगर केमिस्ट्री का बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, अगर केमिस्ट्री का बात करते हैं, केमिस्ट्री में टोटल कितना एलिमेंट्स है, टोटल एलिमेंट्स जो है ना, टोटल एलिमेंट्स, अगर आप लोग भी नोट्स बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, बनाते चलिए। टोटल एलिमेंट्स जो है ना वो 115 है, वो 115 था, सॉरी 115 था, ठीक है ना। कुछ समय बाद 118 हो गया, यानी कि अभी जो करंट में जो आपको मिलेगा ना, वो ये करंट में, करंट में कितना है, 118 है, 118, ठीक है। अब 119 होगा, 120 होगा, जब होगा सब देखा जाएगा, फिलहाल अभी तो 118। अब ये जो एलिमेंट्स है ना, ये अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस में मिलकर, अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस होता है टेम्परेचर का, प्रेशर का, ये सब के कंडीशंस में अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस को मिलकर क्या बना लेते हैं, कंपाउंड्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं, कंबाइन इन डिफरेंट कंडीशन, कंबाइन इन डिफरेंट कंडीशन, अगर डिफरेंट कंडीशंस में मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है ना। और ये डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स एक जैसे तो हो नहीं सकते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स हो गए, तो ऐसे कंपाउंड्स बनाते रहते हैं। तो इसी जो ये जो कंपाउंड्स जो हम लोग का जो बनाना है, इन्हीं कंपाउंड्स को हम लोग अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं। तो एक कैटेगरी बना देते हैं हम लोग एसिड का, एक कैटेगरी हम लोग बना देते हैं एसिड का, एक कैटेगरी हम लोग बना देते हैं बेस का, और एक कैटेगरी हम लोग बना लेते हैं सॉल्ट का, ठीक है। एक कैटेगरी हम लोग एसिड का बना दिए, एक कैटेगरी हम लोग बेस का बना दिए, और एक कैटेगरी हम लोग सॉल्ट का बना दिए। तो इतना सारा चीज़ हम लोग कर चुके हैं, यानी कि कंपाउंड बना, बहुत सारा एलिमेंट्स था, एलिमेंट्स से बहुत सारा कंपाउंड बना, उस कंपाउंड को हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिए, विच इज़ कॉल्ड एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये हो गया। अब तो हम लोग को पढ़ना है एसिड। तो एसिड को पढ़ने से पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग कुछ कुछ जानेंगे, ठीक है ना। अभी टिपिकल एसिड में पहुंचने से पहले और भी बहुत सारा चीज़ जानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया ये चीज़। चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं, एसिड से पहले, जानने से पहले हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग जानने का कोशिश करेंगे इंडिकेटर के बारे में। क्या जानेंगे? इंडिकेटर, है ना, इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। क्या होता है ये इंडिकेटर? अब इंडिकेटर के बारे में अगर बोला जाए तो ये एक टाइप का डाई है। क्या चीज़ है? एक टाइप का डाई, इट इज़ अ डाई, ठीक है ना। दैट चेंज कलर, ये कलर को चेंज कर लेता है, ठीक है ना। When it put into acids और bases, यानी कि जब acids और bases में जब इसको डाला जाता है ना, तो ये क्या करता है, अपने color को change कर लेता है। अच्छा, ये तो हो गया भाई, चलो ये तो color का बात हो गया। अगर दूसरा बात करें तो ये कहता क्या है, it tells about कि कोई भी चीज़, whether the substance कैसा है भाई, या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा। तो ये इंडिकेटर ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। अच्छा भाई, ये तो हो गया। चलिए भाई अब देखते हैं हम लोग क्या, कि
क्योंकि ये जो इंडिकेटर जो होता है ना, इसमें तीन मोस्ट कॉमन इंडिकेटर के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सा है? थ्री मोस्ट कॉमन इंडिकेटर। इंडिकेटर ये कौन कौन सा है, इसका नाम पढ़ लेते हैं। इसका नाम होता है, नंबर वन जो होता है वो लिटमस होता है। क्या होता है? लिटमस। नंबर वन में क्या हो गया? लिटमस। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज। क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज। क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है फिनाप्थलीन। ठीक है ना, फिनाप्थलीन होता है ना। चलिए, फिनोल्फथलीन ये हो गया। ये तीन तरह का हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में नॉर्मली पढ़ते हैं। ये कॉमनली है, ये केमिस्ट्री में हमेशा आपको देखने को मिलेगा, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन, ये सब चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पर हम लोग एलिमेंट्स के बारे में देखें, कैसे कंपाउंड्स बना, कंपाउंड्स को कैटेगराइज किया। उसको जानने से पहले हम लोग को थोड़ा सा जानना पड़ेगा इंडिकेटर के बारे में, तो हम लोग इंडिकेटर के बारे में भी जाने। अब देखते हैं, ये तो हो गया भाई, इंडिकेटर के बारे में तो जान लिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं क्या कि आखिर ये लिटमस क्या होता है। सबसे पहले बारे इस सब में जान लेते हैं थोड़ा सा ना, टाइप्स ऑफ लिटमस के बारे में जान लेते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ लिटमस, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए, सबसे पहला जो होता है ना वो होता है ब्लू लिटमस, ठीक। और दूसरा जो होता है वो रेड लिटमस। ब्लू लिटमस और रेड लिटमस, ये सब के बारे में भी आगे, ये लिटमस कैसे आए सभी, अभी थोड़ा सा हम लोग केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। तो ब्लू लिटमस हो गया और एक रेड लिटमस मार्केट में मिल जाएगा, आप जाकर मांगिएगा ना, चाहे सर्जिकल शॉप में, चाहे और किसी में जो ये सब सामान बेचता हो केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए, अब ब्लू लिटमस क्या करता है? अब देखिए, एसिड जो होता है ना, कोई भी तरह का जो एसिड होगा, एन एसिड जो होगा ना, वो चेंज करेगा क्या, टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। यानी कि जो एसिड जो होगा ना, वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, और जो बेस होगा जिसको हम लोग एल्कली भी बोलते हैं, ये क्या करता है ना, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ओके, समझ में आ गया? टाइप ऑफ लिटमस हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या देखें भाई, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस दो तरह का होता है। एसिड जो होता है ना, वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, और बेस जो होता है ना, वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। इतना आपको समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, आगे क्या है भाई। चलिए भाई, इन अदर वेज यानी कि कोई और भी तरीका है क्या, इन अदर वेज भी देख लेते हैं। ओके, ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना, अगर अलग, यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास लिटमस पेपर है और वो उस पर हम कोई सोल्यूशन का ड्रॉप डालते हैं, तो अगर, ठीक है ना, अगर ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, तो हम इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, ये सॉल्यूशन मेरा हो जाएगा एसिडिक इन नेचर। यानी कि अगर कोई सॉल्यूशंस का ड्रॉप ब्लू लिटमस पर डाला जाता है और वो रेड हो जाता है, तो हम बोलेंगे वो एसिडिक इन नेचर है। एग्जांपल में जैसे हम लोग देख सकते हैं, आप लोग कोशिश कर सकते हैं, घर में ये भी किया जा सकता है, ऑरेंज जूस, ठीक है, ये एसिडिक इन नेचर होता है, तो इसके बारे में हम लोग ध्यान से और घर में भी कर सकते हैं। चलिए, ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है भाई, कि अगर ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस
रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू, तो ये जो सॉल्यूशन जो होगा ना वो होगा बेसिक इन नेचर. क्या होगा? बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर. जैसे एग्जांपल में बोल सकते हैं हम लोग कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन. ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं. अब आगे देखते हैं. ओके, तो अब हम लोग देखते हैं एल्कली के बारे में. ठीक है, जो एल्कली अभी हम लोग पहले जो देखे थे, अभी यहाँ पर देखिए एल्कली कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ देखिए, यहाँ पर एल्कली हम लोग को मिल गया था. तो अब हम लोग एल्कली के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. क्या होता है ये एल्कली, व्हाट इज एल्कली, क्वेश्चन भी बन जाता है ना इससे एक, व्हाट इज एल्कली, एल्कली व्हाट इज एल्कली, ये एल्कली क्या है. तो देखिए ये एल्कली जो होता है ना, ये प्रोड्यूस करता है OH आयन. ये प्रोड्यूस करता है क्या भाई? OH आयन, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है. लिख सकते हैं पूरा, प्रोड्यूस्ड OH नेगेटिव आयन्स व्हेन, कब करता है भाई? व्हेन इट डिजॉल्व इन, इट डिजॉल्व इन वाटर, इन डिजॉल्व इन वाटर. यानी कि जब वाटर में इसको हम लोग डालेंगे, जब वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो ये OH आयन को प्रोड्यूस करता है. ठीक है ना, और ये एल्कली जो होता है ना वो एक वाटर सॉल्युबल बेस होता है. क्या होता है भाई? अ वाटर सॉल्युबल बेस, यानी कि ऐसा बेस जो पानी में घुल जाता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अ वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड एल्कली, एल्कली. ठीक है, क्लियर हो गया. जैसे इसका जो यूज़ जो होगा ना, अगर मान लीजिए एल्कली का जो यूज़ करते हैं, तो इसका जो यूज़ होगा, इसका यूज़ हम लोग करेंगे कहाँ? ये ज़्यादातर करके यूज़ होता है क्या? ड्रग्स कैरियर में, सॉरी, यहाँ ड्रग यानी कि मेडिसिन में ज़्यादातर करके यूज़ होता है. ठीक है ना, मेडिसिन कैरियर. ठीक है, यहाँ यूज़ होता है. तो एल्कली समझ में आ गया, एल्कली व्हाट इज़ एल्कली. तो ये क्या करता है? अ वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड एल्कली, इट प्रोड्यूसेस OH आयन्स व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर. क्लियर हो गया, इसका यूज़ भी हम लोग देख लिए. ये यानी कि मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा करके इसका यूज़ होता है ड्रग्स कैरियर में. चलिए, ये तो समझ में आ गया. ओके, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इंडिकेटर के बारे में. अभी तो वहाँ तो देख ही रहे थे, अब थोड़ा सा इंडिकेटर के बारे में समझ जाते हैं अच्छे से. क्या होता है इंडिकेटर, पूरा हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं. इंडिकेटर, यहाँ पर हम लोग इसको कैटेगराइज करेंगे. तो एक कैटेगरी इधर बनाएंगे और एक कैटेगरी इधर बनाएंगे. ठीक है, तो इंडिकेटर का टाइप एक तरीके से मान लीजिए, ये टाइप है. क्या है? टाइप. यहाँ पर आएगा मेरा नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर है ना, और यहाँ पर आएगा सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर. ये हो गया दो टाइप का इंडिकेटर. अब देखिए नेचुरल इंडिकेटर जो होगा ना वो हमको मिलेगा कहाँ भाई? फाउंड नेचुरली, फाउंड नेचुरली. ठीक है, फाउंड नेचुरली. जैसे भाई, जैसे मान लीजिए क्या क्या हो गया एग्जांपल में, लिटमस हो गया, ये नेचुरली मिल जाता है हमको. फिर टर्मरिक भी हो गया, टर्मरिक हो गया, ये भी नेचुरली मिल जाएगा. ठीक है, रेड कैबेज हो गया, रेड कैबेज हो गया, ये भी मिल गया. ठीक है ना, चलिए. अब सिंथेटिक इंडिकेटर में हम लोग क्या देखते हैं? ये होता है प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, या प्रिपेयर्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल सोर्सेज बोल सकते हैं, प्रिपेयर्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल सोर्स. ठीक है, जैसे एग्जांपल में क्या क्या हो सकता है भाई? तो मिथाइल ऑरेंज अभी हम लोग देखे भी थे, है ना, मिथाइल ऑरेंज. फिर और क्या है दूसरा, क्या देख सकते हैं भाई? अभी हम लोग देखे भी थे फिनाल्फथिल. हम बार बार इसमें गड़बड़ा जाते हैं. ठीक है, आप लोग स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा भाई. फिनोल फैथलीन. ठीक है, ये हो गया. समझ रहे हैं आप?
इंडिकेटर में हम लोग क्या देखें, इंडिकेटर का टाइप में एक नेचुरल इंडिकेटर हो गया और एक सिंथेटिक इंडिकेटर हो गया। नेचुरल इंडिकेटर में ये क्या होता है, फाउंड नेचुरली, यानी कि ये नेचुरली फाउंड मिल जाता है, और सिंथेटिक इंडिकेटर जो होता है ये करता है क्या, प्रिपेयर्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल सोर्सेज के थ्रू। और नेचुरल इंडिकेटर का एग्जाम्पल लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज हो गया, और इसमें हम लोग मिथाइल ऑरेंज और फिर नैप्थलीन के बारे में देख लिए। अब हम लोग सब चीज़ के बारे में धीरे धीरे पढ़ लेंगे, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, और वो एसिड और बेस में कैसे कैसे रिएक्ट करता है वो सब के बारे में हम लोग इसमें देख लेंगे, है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, आगे पेज खत्म हो गया, आगे पेज हम बना लेते हैं। चलिए तो मिथाइल ऑरेंज के बारे में जानने का कोशिश करते हैं हम लोग। मिथाइल ऑरेंज क्या है भाई, मिथाइल ऑरेंज ये क्या है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज देखने में कैसा है देख लेते हैं। मिथाइल ऑरेंज का फोटो हम निकाल के रखे थे, मिथाइल ऑरेंज, दैट्स इट, ये है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। आप इसको देखिए, मिथाइल ऑरेंज यही है, ठीक है। चलिए ये क्या होता है भाई, एसिड सॉल्यूशन में, एसिड सॉल्यूशन में, एसिड सॉल्यूशन में ये क्या करेगा, चेंजेस ये हो जाएगा रेड कलर का। एक्चुअली इसका कलर जो होता है ना वो होता है ऑरेंज, तो ये रेड कलर का हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन में। अगर इसको बेसिक में डाल दिया जाए तो, अगर इसको बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो मिथाइल ऑरेंज को चेक करने के लिए, तो ये बना देगा इसको येलो, क्या बना देगा, येलो कलर। और अगर न्यूट्रल फॉर्म में इसका कलर क्या होता है भाई, न्यूट्रल फॉर्म, न्यूट्रल कलर इसका क्या होगा, ये तो होता ही है ऑरेंज कलर का, है ना। ये हो गया मिथाइल ऑरेंज आपका, क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो मिथाइल ऑरेंज क्या हो गया भाई, ये एसिड सॉल्यूशन में ये रेड कलर का हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन में ये येलो हो जाएगा, इसका न्यूट्रल कलर के बारे में अगर बात करें तो ये हो जाता है ऑरेंज कलर का, क्लियर। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसका, फिनालफेथिलीन का, फिनालफेथिलीन स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा भाई, है ना। चलिए फिनालफेथिलीन का इसका फोटो भी होगा मेरे पास, फिनालफेथिलीन का ये है, देखिए ये होता है, ये है सॉल्यूशन इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसी में ये एसिडिक सॉल्यूशन के साथ क्या करता है भाई, एसिड सॉल्यूशन, ये एसिड सॉल्यूशन में जाता है तो ये करता है क्या, कलरलेस हो जाता है, कोई चेंज नहीं करता है उस इसका अपना, ठीक है, कलर लेस, कलर लेस। और अगर बेसिक सॉल्यूशन में देखा जाए तो, बेसिक सॉल्यूशन में देखा जाए तो, ठीक है, पिंक कलर में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पिंक कलर, बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ये पिंक कलर का हो जाएगा। और यही बेसिक सॉल्यूशन है, देखिए ये बेसिक सॉल्यूशन का है और ये जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन का है, तो एसिड सॉल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसका कलर तो ऐसा ही है, और बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो गया, पिंक कलर का हो गया। और इसका जो न्यूट्रल कलर जो होता है ना, वो न्यूट्रल कलर, कलर तो ऐसा कुछ नहीं है, लाइक वाटर होता है, ये वाटर के जैसा बिहेव करता है, मतलब वाटर के जैसा ये होता है देखने में, वाटर बोल लीजिए चाहे कलरलेस बोल लीजिए, ये सब, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे हम लोग के पास क्या है भाई, रेड कैबेज, एक आता है रेड कैबेज, ठीक है, रेड कैबेज, रेड कैबेज को देखेंगे। हाँ तो रेड कैबेज का भी फोटो है यहाँ पर, दैट्स इट, ये ठीक है, ये है रेड कैबेज। अब इसको देख लेते हैं ये क्या करता है भाई, तो एसिडिक में अगर इसको डाला जाता है, एसिडिक नेचर वाला किसी चीज़ में, तो ये कैसे रिएक्ट करेगा भाई, ये करेगा रेड बन जाएगा ये पूरा का पूरा। अगर बेसिक में डाला जाता है तो, अगर बेसिक में डाला जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, ये ग्रीन हो जाएगा। और न्यूट्रली तो देख ही रहे हैं इसका कलर क्या होता है, ठीक है ना, इसका कलर क्या होगा, रेड कैबेज बोला जा रहा है लेकिन एक्चुअली ये होता किस कलर का होता है, ये पर्पल कलर का होता है, ठीक है ना, पर्पल कलर का होता है न्यूट्रली, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर है कि, एक सेकेंड हम पेज बढ़ा लेते थोड़ा सा, है ना,
हाँ पर्पल कलर का हो गया। अगर लिटमस के बारे में बात करते हैं, लिटमस जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर जगह यूज़ होता है क्योंकि ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। अब रेड कैबेज आप ढूंढने जाइएगा हर समय तो आपको नहीं मिलेगा, है ना, लेकिन लिटमस आपको मिल जाएगा। लिटमस क्या होगा, आपको आसानी से किसी भी शॉप में मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, लिटमस होता है ना वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है, नेचुरल हो गया, ठीक है, नेचुरल हो गया। ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से होता है, आखिर ये आता कहाँ से है, ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्टेड होता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड कॉल्ड लाइकेन, कॉल्ड लाइकेन। लाइकेन का प्लांट देखिए यहाँ पर है मेरे पास एक फोटो, ये देखिए ये है ना, ये इसी टाइप का है। अब ये जो प्लांट जो है ना इसका अलग टाइप का डिवीजन होता है, देखिए कैसा डिवीजन होता है वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लिटमस तो हम लोग, सॉरी ये यहाँ पर फोटो खुल गया है, हाँ लिटमस क्या होता है ना, लिटमस के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं ऑलरेडी कि ये एसिड में क्या हो जाता है, ये रेड हो जाता है, और बेस में क्या हो जाता है, ठीक है ना, ये ब्लू बन जाता है। यानी कि मतलब ये ब्लू टू रेड में चेंज हो जाता है और ये रेड टू ब्लू में चेंज हो जाता है। इतना तो खैर हो गया है, चलिए थोड़ा सा लाइकन के बारे में देख लेते हैं। ये जो होता है ना लाइकन का जो पेड़ जो होता है ना, ये कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है किससे भाई, बिलोंग्स टू डिवीजन, बायो पढ़े हो गए आप लोग तो, डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा, किससे भाई, थैलो फाइटा, ठीक है ना, इस ग्रुप से बिलोंग करता है। अब ये थैलोफाइटा क्या होता है, इसमें ये एक ऐसा ग्रुप होता है, मतलब कि प्लांट किंगडम का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें ना तो स्टेम मिलेगा, ना तो स्टेम मिलेगा, ठीक है, ना ही लीव्स मिलेगा, ना ही लीव्स मिलेगा, और ना ही रूट्स मिलेगा, नो रूट्स, ये ऐसा ग्रुप होता है, ठीक है ना। जनरली इसमें क्या आ जाता है भाई, तो इस ग्रुप में आ जाता है क्या, एल्गे आ जाएगा, एल्गे आ जाएगा, फंजाई आ जाएगा, ठीक है ना, लाइकेन तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ये सब सब इसी में आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये जो लाइकेन जो है ना किस ग्रुप से बिलोंग करता है, थैलोफाइटा ग्रुप से, थैलोफाइटा प्लांट किंगडम जो होता है ना वो, जिसमें नो स्टेम नो लीव्स नो रूट्स होता है, ये चीज़, ठीक है। अच्छा रेड कैबेज के बारे में तो हम लोग देख ही लिए, चलिए भाई, एसिडिक को रेड और बेसिस को ग्रीन बना ही देता है, वो तो हम लोग देख ही चुके हैं, समझ में आ गया ये चीज़ आपको, कोई दिक्कत नहीं। आगे देख लेते हैं, एक और प्लांट होता है, प्लांट कम ये फ्लावर होता है, ठीक है ना, एक फ्लावर होता है जिस फ्लावर को हम लोग बोलते हैं हाइड्रांजिया, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइड्रांजिया। अब ये कैसा फ्लावर होता है देखिए हम दिखाते हैं आपको, ये फ्लावर होता है ये वाला, ये फ्लावर, ठीक है, ये फ्लावर भी एक नेचुरल इंडिकेटर का जैसा काम करता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब ये फ्लावर है, सॉरी ये क्या है, एक फ्लावर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड हो गया भाई, है ना, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट जिसमें इस टाइप का फूल होता है, ठीक है ना। ये जनरली आपको कहाँ मिलता है पता है, ये चाइना में मिल जाएगा आपको, कोरिया में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, एशिया में भी है, बहुत पार्ट है एशिया का, बहुत सारा पार्ट्स में आपको मिल जाएगा, ये सब पार्ट में आपको मिल जाएगा, जापान में मिल जाएगा आपको, है ना, ये सब पार्ट में आपको ये जो फूल है ये आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्या इसका इसका नेचुरल कलर क्या है, नेचुरल कलर तो देखने से ही पता चल रहा है क्या है भाई, ब्लू, नेचुरल कलर, नेचुरल कलर क्या है, ब्लू है ना, ब्लू है, ओके। और ये क्या करता है, अगर ये इसको बेस में डाल दिया जाए, ठीक है ना, ये बेस में डाल दिया जाए तो ये क्या करता है ना, पिंक कर देता है, क्या कर देता है, ये पिंक हो जाता है, सॉरी चेंजेस इन पिंक इन कलर, चेंजेस इन पिंक कलर, ठीक है ना। यानी कि ये ब्लू से क्या चीज़ में चेंज हो जाता है, पिंक में चेंज हो जाता है जब इसको बेस में डाला जाता है, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या ओलीफैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होता है, क्या क्या देखेंगे ओलीफैक्ट्री, सॉरी यहाँ पर लिखा गया गलत, हाँ ओली फैक्ट्री,
इसको क्या बोलते हैं वो भी देख लीजिए, बुक में दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी होगा, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या होता है। अब देखिए ओलिफैक्ट्री का मतलब क्या होता है, ओलिफैक्ट्री जो रिलेटेड जो होता है ना, ये रिलेट करता है किससे भाई, तो स्मेल से। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, साइड में लिखते हैं सब्सटेंस, सब्सटेंस हुज स्मेल, ठीक है ना, हुज स्मेल चेंजेस, चेंजेस इन इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। अब ओलिफैक्ट्री जो होता है ना, इसका ये तो बता ही दिए, अब स्मेल से रिलेटेड है, तो ये रिलेट करता है टू द सेंस ऑफ स्मेल, रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। जैसे एग्जाम्पल में बहुत अच्छा अच्छा एग्जाम्पल है भाई इसका, क्या अच्छा एग्जाम्पल है वो भी देख लीजिए, अनियन, ठीक है, अनियन हो गया, ठीक है, और एक होता है, एक क्या है, हाँ वनीला, वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला एक्सट्रैक्ट केक वगैरह में डालते हैं ना, ये वनीला एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना। एक और होता है, इसको हम लोग क्लोव ऑयल बोलते हैं, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल जो होता है ना वो भी, तो ये भी ओलिफैक्ट्री इंडिकेटर्स में ज़्यादा आता है। चलिए तो देख लेते हैं थोड़ा सा कैटेगराइज वाइज समझ लेते हैं। अगर ओनियन के बारे में देखा जाए, अनियन में यहाँ एसिड कर देते हैं और यहाँ बेस कर देते हैं, ठीक है, तो अनियन में क्या होगा ना, ये रिमेन्स रहेगा, यानी कि इसका स्मेल में कोई चेंजेस नहीं होगा, रिमेन, रिमेन अनचेंज्ड, अन चेंज्ड, लेकिन बेस में जैसे ही जाता है, ठीक है ना, अनियन, तो ये अपना स्मेल को लूज इट्स स्मेल, यानी कि ये स्मेल लेस बन जाता है, इसका कोई स्मेल ही नहीं बचता है, नहीं समझ में आता है, ठीक है ना, कि ये अनियन है भी या नहीं है। उसी तरीके से अगर वनीला में देखते हैं, वनीला में इसमें भी वही चीज़ होता है, रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन अगर इसमें आ जाते हैं बेस में देख लेते हैं, क्या चीज़ में, बेस में देख लेते हैं, तो इसमें भी वही होता है, लूजेस इट्स क्या स्मेल, लूजेस इट्स स्मेल, ये भी हो गया। चलिए अच्छा, लास्ट है एक क्लोव ऑयल, है ना, क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल क्या करता है भाई, ये भी सेम ही है, रिमेन्स अनचेंज्ड, अनचेंज्ड, और ये क्या हो गया, लूजेस इट्स स्मेल, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए यहाँ तक तो हम लोग पूरा का पूरा देख लिए, ये ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स भी देख लिए, यानी कि देखिए एसिड को जानने से पहले ना ये सब के बारे में थोड़ा हम लोग को जानना था, क्योंकि अगर नहीं जानते ना तो हम लोग को क्लियर नहीं होता, कभी हम कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, कभी हम कोई भी वर्ड यूज़ कर लेते हैं, अल्कली यूज़ कर लेते हैं, तो उससे बेहतर है कि ये सब पहले आप जान लो, ठीक है, समझ में आ गया। इंडिकेटर्स के बारे में हर चीज़ बता दिए, कौन इंडिकेटर कैसा होता है, कौन सा इंडिकेटर एसिड के साथ कैसा रिएक्ट करता है, बेस के साथ कैसा रिएक्ट करता है, ये सब आप लोग देख चुके हो। अब जब हम लोग जब एसिड में इंटर करेंगे, यानी कि एसिड के बारे में जब पढ़ेंगे, तो आपको सारा का सारा चीज़ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो वही क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ा, ये सब पहले हमको बताना पड़ा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।